नमस्कार, जय सियाराम। पूजा पाठ के यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि हम सभी भक्तों के लिए एक पर्व के समान है। इस पर्व में हम माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करते समय अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं अथवा मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान कैसे हो, इस वीडियो में हम वही लाए हैं आपके लिए। आपने जो हमसे प्रश्न किए हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है सीमा कुमारी जी का। पूछ रही हैं कि क्या अपने हाथों से बनाया हुआ ताजा पनीर हम उपवास में ले सकते हैं अथवा नहीं। नवरात्रि में उपवास के निमित्त दूध लिया जा सकता है, इसके साथ साथ दूध से बना हुआ ताजा दही, अर्थात कल रात्रि में जो आपने दही जमा दिया था उसका प्रयोग आज आप कर सकते हैं। परंतु पनीर दूध का विकृत रूप है, उसका हमें परित्याग करना चाहिए। उपवास में पनीर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न अखिल जी का है। पूछते हैं नवरात्रि के उपवास में हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं। मूलभूत अगर इसको देखा जाए तो प्रश्न यह है कि हमें बाहर की यात्रा करनी चाहिए या नहीं। व्रतोत्सव चंद्रिका में व्रत के जो नियम बताए गए हैं, व्रत पालन करने के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों में आया है कि छौर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, समुद्र लंघन नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ नदी तालाब भी जो है हमें लंघन नहीं करना चाहिए। आप अपने शहर में हैं तब यात्रा कर लीजिए, वहां आप गाड़ी चला सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके गाँव शहर से कोई नदी है जिसको लंघन करके, जिसको पार करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में बाहर जाना पड़ता है, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है राहुल सिंह जी का। पूछते हैं कि हमने एक संकल्प लिया था कि नवरात्रि के 9 दिनों तक हम जो है एक टाइम फलाहार रहेंगे और दूसरे टाइम जो है सात्विक भोजन, जिसमें हम लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं अथवा नहीं करना चाहिए। तो राहुल सिंह जी, इस तरह से व्रत नहीं किए जाते हैं। व्रत अगर आपको करना है तब आप फलाहार ही ग्रहण करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तब जो कार्य आप कर रहे हैं यह व्रत की श्रेणी में नहीं आएगा। व्रत की श्रेणी क्या है? जिसमें आप जो है उपवास रहें, बीच में अगर दोपहर को आपके शरीर की आवश्यकता है, औषधि इत्यादि ग्रहण करना है, तो बीच में कुछ फल ले सकते हैं अथवा दूध ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। इसके पश्चात संध्या काल में आपको विधिवत फलाहार ले लेना चाहिए पूजा संपन्न करने के पश्चात। परंतु अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक टाइम फल लेकर के दूसरे टाइम भोजन लेते हैं, पूजा तो आपकी उतनी ही स्वीकार होगी परंतु आपका यह कृत्य जो है यह उपवास की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर आप यह विचार करते हैं कि मैं उपवास रह रहा हूं, तब यह आपका उपवास नहीं माना जाता। इसी तरह का प्रश्न संतोषी ठाकुरी जी ने किया है। वह भी कह रहे हैं कि क्या व्रत में शाम को गेहूं की रोटी खा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर व्रत है तब अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, फल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप अन्न खा रहे हैं तब वह व्रत की श्रेणी में ना आकर के एक साधारण नियम है कि आप जो है दिन में जो है अनाज नहीं लेते और शाम को जो है आप अनाज ले लेते हैं। तो यह एक साधारण पूजा का नियम हो सकता है, परंतु यह व्रत का नियम नहीं है। अगला प्रश्न रजनीश शुक्ला जी का है। कहते हैं
कि हमने जो कलश स्थापित किया था वह कलश चूहों ने गिरा दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तब आप पुनः कलश की स्थापना करें, अपने आचार्य जी को बुलाएं और उनके माध्यम से पुनः विधिवत कलश स्थापना करें और प्रायश्चित का संकल्प करें। प्रायश्चित के संकल्प में आप तीन प्रकार का कार्य कर सकते हैं, पहला जप, दूसरा दान और तीसरा हवन। आप चाहें तो तीनों कार्य भी कर सकते हैं, परंतु एक कार्य करेंगे तो भी आपको जो है उस दोष से मुक्ति मिलेगी। जप करना है, जप करने के लिए माँ भगवती के नाम मंत्रों का ही जप करें, यथाशक्ति जाप करें, अधिकम ते अधिकम फलम, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसके बाद जो है दान, आप अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके यथाशक्ति अन्न दान करें। इसके अलावा जब आप अष्टमी अथवा नवमी को हवन करेंगे तब भी जो है प्रायश्चित आहुति डालना ना भूलें। इस प्रकार से आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगला प्रश्न है सुनील बेदी जी का, पूछते हैं जो कलश के ऊपर नारियल रखा गया है उसका क्या करना चाहिए? इस विषय में हमने आपको पहले भी सूचित किया है कि कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे अपने आचार्य पुरोहित को दान करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। पीठ के ऊपर जो भी सामग्री होती है वह आचार्य पुरोहित की होती है। अगर आचार्य पुरोहित आपके घर में नहीं आ पा रहे हैं या आप नहीं बुला पा रहे हैं तब उस नारियल को आप मंदिर में दे दीजिए, मंदिर में जो पुजारी जी हैं या मंदिर में जो है आप उसका दान कर दीजिए। अगर यह भी नहीं हो पाए तब जो है आप उसका जल में प्रवाह कीजिए, जल में उसका विसर्जन कर दीजिए। आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके उपयोग में होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित, व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्यातिदिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।